हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टॉक मार्केट टुडे। और आज का हमारा स्टडी टॉपिक है डिसेंडिंग हॉक कैंडलस्टिक पैटर्न। दोस्तों ये एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। चार्ट पर इसकी फॉर्मेशन के बाद आप ये मान सकते हैं कि अब अपट्रेंड खत्म हो चुका है और यहां से एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। ये पैटर्न दो कैंडलस्टिक से मिलकर बनता है। इसमें पहली कैंडल एक लॉन्ग बुलिश कैंडल या फिर एक ग्रीन माराबुजू होती है और दूसरी कैंडल एक स्मॉल बुलिश कैंडल होती है और अपने पहले कैंडल के ओपन और क्लोज के बीच में बनती है। दोस्तों इसके कलर पे मत जाइए, ये पैटर्न आपको बुलिश कैंडलस्टिक का तो दिखेगा लेकिन यहां से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। दोस्तों चार्ट पर इस पैटर्न की फॉर्मेशन कभी टॉप पर तो कभी सेंटर में हो सकती है और इस पैटर्न में दोनों कैंडलस्टिक का वॉल्यूम इंक्रीजिंग होता है। ये पैटर्न सभी टाइम फ्रेम पर परफेक्टली काम करता है। तो दोस्तों इस पैटर्न के साथ में हमको ट्रेड कैसे करना है? चार्ट पर इसकी फॉर्मेशन के बाद अगर उसकी नेक्स्ट कैंडल अच्छे वॉल्यूम्स के साथ गैप डाउन ओपन होती है और इस पैटर्न के पहले कैंडल के नीचे क्लोजिंग देती है तो आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं और इस पैटर्न के पहले कैंडल के हाई के ऊपर आपको लगाना होगा आपका स्टॉप लॉस। और आगे जब भी दोस्तों आपको कोई ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल दिखे तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको डिसेंडिंग हॉक कैंडलस्टिक पैटर्न को अच्छे से समझ गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ऐसे ही और भी कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइव ट्रेडिंग की एनालिसिस के लिए आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। दोस्तों ये रहा आज का हमारा होमवर्क। चार्ट पर जो कैंडलस्टिक आप देख रहे हैं इसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और अगर आपने अभी तक कैंडलस्टिक पैटर्न की पूरी वीडियोस नहीं देखी है तो वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन चेक इट आउट। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।